गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर 14 वाटर। सपोज फॉर सम रीजन योर फैमिली गेट्स ओनली वन बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। इमेजिन व्हाट वुड हैपन। वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लॉथ्स और बाथ। सपोज करो कि आपकी फैमिली को सिर्फ एक ही बकेट पानी की मिल रही है डेली एक हफ्ते तक, तो क्या ये आपके लिए पॉसिबल है कि आप सारे काम इजीली कर पाओ, जैसे कुकिंग है, यूटेंसिल्स की क्लीनिंग है, क्लॉथ्स को वॉशिंग करना, नहाना। व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज यू वुड नॉट एबल टू डू। वो कौन सी एक्टिविटीज होंगी जो आप नहीं कर पाओगे। व्हाट वुड हैपन इफ वी डू नॉट हैव इजी एक्सेस टू वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या होगा अगर काफी दिनों तक हमें पानी इजिली अवेलेबल नहीं होगा। हाउ मच वाटर डू वी यूज। अब हम सोचो कि हम अपनी डेली एक्टिविटीज में हमें कितना की वाटर हम यूज करते हैं। ड्रिंकिंग में कितना किया, ब्रशिंग में कितना किया, बाथिंग में, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, टॉयलेट्स, क्लीनिंग फ्लोर, एनी अदर टोटल वाटर। तो अप्रोक्सीमेटली 40 की लीटर तो एक पर्सन की रिक्वायरमेंट होती ही है। ये अप्रोक्सीमेट है, वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। तो एक पर्सन की इतनी रिक्वायरमेंट, फिर आप करो कैलकुलेट करो कि आपकी फैमिली में मेंबर्स कितने हैं, वो कितना वाटर यूज कर लेंगे, फिर आप देखो कि आपके विलेज में टोटल कितने घर हैं, एक घर के एवरेज मेंबर लेके चलो, तो फिर टोटल आप देखोगे कितना वाटर कंज्यूम हो रहा है। तो फिर इसके अलावा और भी काफी एक्टिविटीज हैं जिनमें वाटर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इंडस्ट्रीज को कोई भी चीज उन्होंने प्रोड्यूस करनी है तो उनको वाटर की जरूरत पड़ती है, और काफी जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए भी वाटर का यूज होता है, तो इतना सारा पानी कंज्यूम हो रहा है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। हम पानी कहाँ से लेते हैं या हमें पानी कहाँ से मिलता है। वी गेट वाटर फ्रॉम द रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड्स, वेल एंड हैंडपम्प। हमें जो पानी मिलता है वो रिवर से मिलता है, स्प्रिंग से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, वेल से या हैंडपम्प से। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लेक और अ रिवर और अ वेल। इट इज देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इन टू अवर होम्स इन डिफरेंट वे। हम सभी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पानी अवेलेबल होता है, बट जो मेन सोर्स है वो रिवर्स हैं या तो लेक्स हैं, उन्हीं के थ्रू पाइप्स के थ्रू वो वाटर की सप्लाई होती है। द वाटर इन द ओशियन एंड सीज हैज मैनी सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन इट। वैसे तो अर्थ के ऊपर 70% तक वाटर अवेलेबल है, बट वो वाटर फिट नहीं है ड्रिंकिंग के लिए, वो सॉल्टी है क्योंकि वो सीज और ओशियन में वाटर है और जो वहां का वाटर है वो अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग है। वाटर साइकिल, डिसअपीयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। How many times have you noticed that water spilled on a floor dries up after some times? हमने देखा कि अगर फर्श के ऊपर पानी गिर जाए तो कुछ टाइम के बाद वो पानी वहां पे नहीं होता, वो डिसअपीयर हो जाता है। इसी तरह से जो गीले कपड़े होते हैं उनका पानी भी गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। बारिश के बाद जो रोड के ऊपर पानी खड़ा होता है वो भी कुछ टाइम के बाद डिसअपीयर हो जाता है। तो इसका रीजन है कि सन की हीट के साथ वो जो वाटर है वो वाटर वेपर्स में डिसअपीयर हो जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।